अभी और ये कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, और भी दिखाता हूं। ऐसी मैजिक देखना चाहते हो ना आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे मैजिक बहुत सिखाता हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे मैजिक सिखाया हूँ मैं अपने चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं बहुत सारे ऐसे मैजिक वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मेरा नाम वैसे सतीश कुमार है और आप देख रहे हो एवरीथिंग बेस्ट के यूट्यूब चैनल, और मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो लेके आऊँगा आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसके माध्यम से आप वीडियो देख सकते हो। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, उसका बेल आइकन जो होता है ना, घंटी का निशान, उस पर हाथ दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, है ना, और उसके बाद देखो ये मैजिक। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए काइन मास्टर, तो काइन मास्टर अगर आपके पास नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे लोगो भी नहीं होगा, वाटरमार्क भी होगा और क्रोमा की का भी ऑप्शन, सारी चीज़ दिखाई देगा आपको वहाँ पे, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिया दिया हुआ है काइन मास्टर, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो काइन मास्टर ओपन करते हो तो इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे सबसे बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है, एमटी प्रोजेक्ट पे आपको जाना है। काइन मास्टर बिल्कुल चलाना नहीं जानते हो तो आप इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे इस वीडियो में चलाने सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से आपको मैं सिखा दूंगा, है ना, और बेसिक चीज़ सीखने के लिए आप वीडियो बना हुआ है प्ले स्टोर से जाके देख सकते हो, प्ले स्टोर कह दिया मतलब प्ले लिस्ट से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक वीडियो आपको शूट करना होगा, जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो, एक एग्जांपल जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एमटी प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे वो एक वीडियो सेलेक्ट करना है, जो वीडियो आप डम्मी बना रखे हो, यानी उसमें कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ वैसा इमेजिंग मतलब वैसा एक बना के रखे हो, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा वीडियो आपको शूट करना है। तो आप जिस एंगल में शूट कर सकते हो, वैसे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताने के लिए सिर्फ इस एंगल में मैंने शूट करा था, तो आप चाहे फ्रंट एंगल में भी शूट कर सकते हो, जैसे जिस एंगल में शूट करना चाह रहे हो कर सकते हो। तो ये इस तरीके से सिर्फ डम्मी वीडियो है, इसमें कुछ भी मतलब शो नहीं कर रहा है। अब मैं आपको इसमें जो भी इफेक्ट डालना होगा मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से डम्मी वीडियो शूट कर लेना आपको, और हाँ ध्यान रखिएगा, आप फ़ोन जब भी आप शूट करते हो ना तो आपका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, अगर हिल गया फ़ोन तो आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ वीडियो बनाने में, और ना ही आपका हाथ हिलना चाहिए, हाथ तो वैसे हिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप कर दिया, अब इसमें क्या करना है, इफेक्ट क्या डालना है, यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाना है आपको, ये वीडियो आपने इनपुट कर लिया मीडिया ब्राउजर से, ये वीडियो आपने यहाँ पे डाल दिया है ना, आप यहाँ पे लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओवरले पे जाना है और इसको डाउनलोड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये सब नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे वाले ऑप्शन पे, तो सारे बहुत सारे ऐसे स्टिकर मिल जाएगा, फायरी सैप्स है, उसको आपको डाउनलोड करना है, इसमें बहुत सारे दिख जाएगा फायरी शॉप्स में, ये देख लीजिए चार तरीके का डिज़ाइन दिख जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ करना है जो ये वाला होगा, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, 360 एंगल में इसको एडजस्टमेंट कर देना है, यहाँ पे यहाँ से इस तरीके से, आपको यहाँ इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। उसके बाद ये जब से स्टार्ट कर रहा है अपना मुँह से आग निकालने का कोशिश कर रहा है, जब से पहले इसको लंबा कर दीजिए, जितने देर तक आप निकालोगे उतने देर तक, है ना। तो यहाँ तक इसका ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैं लगा दे रहा हूँ, आप भी इसका जो ये जो आपने अभी लिया ओवरले से, इसको आग को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से निकालना स्टार्ट कर रहा है ना आग, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, आग पे क्लिक करने के बाद, और आप आग को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले पे, वैसा होने के बाद आपको चाबी पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ी दूर वीडियो चलाना है, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे ही ये ऊपर कर रहा है नीचे हो गया है, आग ऊपर आ गया है, तो इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देना है ना, थोड़ा सा आगे कर देना है, उसके बाद थोड़ी सी और वीडियो आगे बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मतलब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे कर दीजिए, है ना, फिर थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाइए और फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, फिर ये जैसे ही ख़त्म हो रहा है ना थोड़ा सा पीछे ही करके, तो इसको आग को ना गायब कर दीजिए, है ना। अब ये आग गायब हो गया, इस तरीके से आपको नेक्स्ट में भी करना है, उसके बाद इसी तरीके से हाथ में भी करना है। फिर से मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस कर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो ओवरले में जाना है, ओवरले में ये जो मैंने बताया था वो आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे दो ले लेना है, तो एक ये ले लिया आपने और एक और ले लेना है ना, तो आग का ये दूसरा वाला भी मैं ले रहा हूँ, तो फिर से ओवरले में जाना है, ओवरले में जाने के बाद वो वाली जो है डाउनलोड आपने करा था उसको डाउनलोड ये यहाँ से ले लेना है, 360 डिग्री में आपको एडजस्टमेंट करना है, और इसको थोड़ा सा वीडियो ये जो है ना आपका आग उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ओके।
तो बड़ा कर दिया आपने, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद इसको 360 डिग्री में ऐसे करके घुमा दीजिए इसको यहाँ से, और यहाँ हाथ पे एडजस्ट कर दीजिए है ना, फिर दूसरे वाले पे क्लिक कीजिए, दूसरे वाले आग पे, और फिर इसको 360 में मोड़ के इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दीजिए है ना। उसके बाद अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो चाबी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं कह दिया, अब ये जो मैंने एक और इफ़ेक्ट दिखाया था आपको, ये वाला हाथ वाला इफ़ेक्ट मैंने आपको दिखाया था, तो मैं अभी आपको वो भी करके दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाना है उस वीडियो को। ये एकदम इजी है और ये आग वाला भी इजी है, आपको डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको ट्रीट करते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली उसी जगह पे जाना है, लेयर पे जाना है, उसके बाद ओवरले पे जाना है, उसके बाद वेदर नाम का एक एक्टिव वेदर नाम का वो होगा आपके पास, वो डाउनलोड कर लेना है आपको, काइन मास्टर में ही डाउनलोड होता है। आप इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करके इसका जो है ड्यूरेशन टाइम, जो सूरज का ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद इसको देख लीजिए वीडियो में किस जगह से कहाँ से क्या एनिमेट कर रहा है ना, मतलब जो भी शूट आपने कराया वीडियो उसमें किस जगह से क्या इशारा कर रहे हो आप। तो मैं यहाँ से इशारा कर रहा हूँ सूरज यहाँ पे आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे सूरज लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली सिंपल सा काम है, थोड़ा सा इसको आगे कर, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कीजिएगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा आपका भी। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इतना स्पीड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बारीकी बारीकी से करता। अब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको आगे कर ले रहा हूँ हाथ के अकॉर्डिंग, और जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा हाथ लेके तो उसके बाद ये आना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, सूरज पे क्लिक करना है, चाबी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ी सी आगे करना है, उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेके आ जाएंगे हाथ पे सूरज को। उसके बाद थोड़ी सी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आगे इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे है ना ऊपर की तरफ, और जैसे ही अपना हाथ छोड़ दे रहा है जहाँ पे अपना हाथ हटा रहा है, यहाँ से हमें क्या करना है इसको और आगे कर देना है, ओके। या फिर आप ऊपर रख सकते हो, आप अपने हिसाब से जहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो वैसे आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कर देना है, उसके बाद प्लस के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यानी जैसे ही आप इसको रन करते हो तो ये कुछ इस तरीके का वीडियो दिखाई दे रहा होगा है ना। तो काफ़ी है ना अमेजिंग। इसको सेव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव टू गैलरी पर कर देना है क्लिक, और जितने MB का आपका वीडियो चाहिए, जितने क्वालिटी बढ़िया चाहिए उतने MB का आप यहाँ से सेव कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ लाइक एप्लीकेशन टिकटॉक कहीं पर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारे तो सिखा दिया और भी नए इफेक्ट सिखाओ, तो हाँ मैं उसको भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताने वाला हूँ, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली मेंबर का ख्याल रखो। बाय।